वर्ड में, जो कि ये जो हॉरर वर्ड है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने कैसे मूड मैंने डाउनलोड कर दिया है। और वो बिहेवर है, मतलब कि वो बिहेवर है, मतलब हमारे अचीवमेंट्स तो मुझे मुझे मिलने ही नहीं वाले हैं, बट फिर भी चलो ट्राई करते हैं। ये बिहेवर भी और लिस्टनर्स भी है, बट ए मैंने मैंने गलती से उसको डीएक्टिव कर दिया, उसके टर्न ऑफ माई अचीवमेंट्स कर दिया। कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, चलो 100 कोऑर्डिनेट्स है, सब कुछ बढ़िया है। चलो तो फिर वर्ड को क्रिएट कर ही देते हैं। वैसे आज मेरा एक दोस्त है हुए है पक्का, उसने मेरे को कहा है कि आज हम लोग, उसको भी एक चैनल बनानी है, फ्यूचर में मैं उसको भी बना के दे दूंगा, फिर उसके बाद हम दोनों खेलेंगे। बट फिलहाल तो कुछ नहीं है, फिलहाल तो मैं भी पॉकेट में ही खेलता हूँ, यानी कि मेरे को पॉकेट में खेलता नहीं हूँ, खेलना पड़ता है। बाकी मेरे का तो बस पीसी में ही खेलना है, बट मेरे पास पीसी नहीं है, सो हम लोग को अभी तो हम लोगों को मोबाइल से ही काम चला रहता है। चलो भाई वर्ड आ चुका है, फिर बड़े हो गए तब भी हम पीसी लेंगे, और माइनक्राफ्ट हम दोनों पीसी में भी खेलेंगे। हाँ पढ़े, ये फ्यूचर की बात है दोस्त, फ्यूचर की तो बात है, पहले हम बड़े होते हैं। वे इस तरफ देखो भाई, दस हम लोग अपनी जो, मैं अपना फेस भी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, और फेस रिवील कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करता, अभी मैं अपनी एज भी नहीं बता सकता। अज्जू भाई ने बता दी है टेक्नो गेम खेलते वक्त, बट हम नहीं बताएंगे। चलो भाई आ चुके हैं, ये सीढ़ी मिल गया, चलो लकी देते हैं यार, तो हमें कट करते ही रहता है। और ये हॉरर वाला वर्ड है, इसका मुझे लगता नहीं है, वो वर्ड आई थिंक लोड हुआ है, बट वो लोड हो हुआ भी सकता है। माइक तो आनी है ना, वरना काफ़ी बार मेरे को ऐसा हुआ है, मैं बहुत ही ज़्यादा हिंदी बोला था बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि मेरी जो जो मेरी जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी जो परमानेंट लैंग्वेज है वो गुजराती है, बट मेरे को वीडियो रखना होता है तो इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ अच्छा खासा। और हम सब हम हमारे स्कूल में ऐसा हिंदी पढ़ा जाता है, हमें समझ में आ ही जाता है, इसलिए मैं बोल ही देता हूँ। और चलो भाई प्लैंक्स बना लेते हैं, एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स, उसके बाद चलो भाई स्टोन बना। मेरे को एक मतलब सिखाओ ब्रज, कि ये स्टिक्स का, ये स्टिक का कमल मतलब स्टिक का काम क्या होता है? ये देखो हम लोगों ने क्राफ्टिंग शुरू की, तो उसमें पहले हमें क्या होता है, सिर्फ हमें वुडन पिकेक्स ही बनानी है, बाकी के टूल्स गलती से भी नहीं बनाना, बिल्कुल फिलहाल नहीं बनाने हैं, बाद में तो हमें सारे के सारे टूल्स हमें बनाने ही होते हैं, बट वुडन टूल्स सारे के सारे नहीं बनाने। और ये जो स्टिक्स है, इससे हम लोग पिकेक्स वॉर्ड वैसी सारी हम लोग चीज़ बना सकते हैं, उसका बस यही है। और अभी हम लोग ऐसे माइनिंग करते हैं क्योंकि हमें स्टोन की, हम लोग स्टोन ढूंढ सकते हैं, और जब स्टोन मिलता है तो हम लोग देखो हमें स्टोन मिल चुका है, हमें 8 स्टोन लेने होते हैं फर्नेस के लिए, और 2 स्टोन लेने होते हैं एक स्वॉर्ड के लिए, और बाकी के 3 स्टोन लेने होते हैं पिकैक्स के लिए, तो टोटल मिला के कितने हुए, 2 बोल दो। मैं ही कह देता हूँ मैडम, मेरे को मतलब समझ ही नहीं आया, तो क्या बोल रहे हो यार, हिंदी समझ में आती है लेकिन तूने अभी जो बोला है ना, हाँ समझ में नहीं आया था। 2 8 + 2 + 3 कर, उसका आंसर मुझे चाहिए बस, मैं इतना कह रहा हूँ। 13 ओके, हाँ ओके, हम लोगों ने बराबर में 8 2, हाँ बराबर कह रहा है, तेरा आंसर सही निकला। चलो भाई एक सवल भी हम लोग बना ही लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आयरन की खोज कर रहे हैं, टीम टेगल तो हमको जाएंगे भी। चलो भाई यार, मैं पहले भी आपको, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी पर मैं खेला था, तेरे को पता है
गोल्डन गोल्डन ये तलवार गोल्डन तलवार कहाँ से मिलती है? स्वॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड कहाँ से मिलती है? मैंने अभी चालू की है लेकिन मैं स्वॉर्ड्समैन जाता हूँ ना तो मेरे को मिलती नहीं है क्योंकि कुछ पता नहीं चला तू क्या बोलना चाहता है यार। जैसे कि हाँ 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 मुझे पता चल गया तू क्रिएटिव में है तू या फिर सर्वाइवल में नहीं सर्वाइवल में है तो पहले तो तुम्हें एक ऐसी तुम्हें वो ये क्या कहते हैं इसको स्टोन की पिक्चर सुनानी पड़ती है उसके बाद तुम्हें उससे आयरन माइन करना होता है और उस आयरन को माइन करके तुम्हें आयरन पिक्स बना के प्ले गोल्ड को खोजना होता है और जब भी तुम्हें गोल्ड मिलता है तभी उसको मार उसको तुम तोड़ दोगे तो तुम्हें राव मिलेगा और ऐसे दो गोल्ड तुम तोड़ोगे उसके बाद तुम्हें उन दोनों को स्मेल्ट करना है उसके बाद तुम्हें क्राफ्टिंग में ऐसी स्वॉर्ड बना लेनी है और वो होगी गोल्डन की स्वॉर्ड और अच्छा यही रहेगा कि तुम है ना गोल्ड के टूल्स ना ही यूज़ करो। गोल्ड के टूल्स सिर्फ दिखावे के लिए ही होते हैं बट उसका डैमेज जो होता है वो तो मेरे को अभी पता है। और वो सिल्वर दो स्वॉर्ड है ना सिल्वर और गोल्ड भैया सुनो भी है ये तीन काफ़ी सारी स्वॉर्ड होती है माइनक्राफ्ट में। पहले तो वुडन की स्वॉर्ड लकड़ी वाली हाँ वो तो पता है। उसके बाद ये ऐसी है ये पत्थर वाली उसके बाद आयरन वाली है वो बहुत चमकीली होती है और उसके बाद होती है हमारी वो डायमंड वाली नहीं गोल्ड वाली होती है उसके बाद डायमंड वाली और सबसे ताकतवर नेदरराइट वाली। लाइव स्ट्रीम वैसे मेरी मैं हर बार करता हूँ बट कोई ज़्यादा देखता नहीं है इसलिए मेरा मन नहीं होता है लाइव स्ट्रीम करने का। फिर भी आज मेरा दोस्त आया था उसने मुझे कहा कि लाइव स्ट्रीम में तुम्हें कुछ करना चाहिए लाइव स्ट्रीम तुम करो इसलिए मैंने किया भाई यूट्यूब में सब भी कहते हैं कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई हम रिक्वेस्ट कर दें चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दो जो भी हो भाई चलो कह दो ना ऐसा कर दो यार प्लीज। चलो भाई अभी दोस्त बात नहीं करना है अभी हम लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान देते हैं हमें विलेज को ढूंढना है भाई उससे हम लोग बेड बना सकते हैं वो उससे हमें भूल सीख से हमें भूल मिलता है अभी बात मत करना। चलो भाई अभी हम लोग एक केव में जाते हैं जाएंगे विलेज को खोजने और रास्ते में केव मिलेगा और रिबिन तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर वैसा कुछ ले लेंगे। चलो भाई ओके इधर चलना चाहिए आपको ऐसा लगता है? लाइव स्ट्रीम में काफ़ी सारे लोग दो तीन लोग देखते होते तो मैं उनसे पूछ लेता कि किस तरफ जाना है भाई इस तरफ या इस तरफ इसको मैं 1-2 देता और इसको 3 और इसको 4 तो जो वो लोग मुझे कहते मैं उधर ही जाता बट ज़्यादा लोग देखते नहीं है देखो इसलिए क्या ही करना आपको मैं ये डिसीजन मैं ले लेता हूँ आपको बताओ तो हमारे चैनल को वो क्या कहते हैं कमेंट करो ना हाँ कमेंट कर सकते हो आपको पता होगी किस तरफ जाना है हमारे चैनल में भाई चल जाओ अभी अभी हम लोग इस तरफ जाते हैं मेरे को लगता है इस तरफ जो भूलभुलैया जैसा दौरा है मेरा मतलब है कि उधर विलेज हो सकती है भाई तू ये भाई तक मत बोल इधर तो ऐसे ही आवाज आती है हर रोज की है हमारा ओके चलो भाई आगड़ क्या मशरूम बायो ने या फिर मोड बायो जा अबे जा रहा हूँ वही मैं तो सिर्फ नोटिस कर रहा था जाओगे फिर भी पता चलेगा ना
यहाँ पे क्या है? डार्क बायोम दिख रही है मेरे को, लगता है कि डार्क डार्क है, मतलब मड बायोम ही होगी। आप लोग माइनक्राफ्ट में डाउनलोड करोगे, करना चाहते हो, लेकिन एक बात जरूर उसके मगज में क्या क्या चलता है भाई, मेरी बेइज्जती उठ रही है मेरी। एक सेकंड, ये स्टोन बायोम लगती है, हम लोग क्या कह रहे थे उसको, मड बायोम। वाह कितने बड़े नूब हैं हम लोग। चलो भाई, नूब में कहते हैं ये स्टोन किस पिकेक से कोल को माइन करते हैं। छोटा सा कोल बच्चा आज जा तुम मेरे पिकेक के बच्चे में। इसके बाद में सीरियस में हमारी लाइफ भाई, मेरी लाइफ की मैं क्या बेइज्जती कर रहा था भाई, कितनी सारी चीजें। अगर मेरा दोस्त अगर भी वो भी अगर खेल सकता, यानी कि हमारे पास एक और मोबाइल या फिर ऐसा कुछ भी होता वगैरह वगैरह, तो फिर बढ़िया रहता। तो हम दोनों के दोनों अभी बढ़िया सी लाइफ स्ट्रीम में, बस मैं तो उसको मार मार के बेचारे को ऐसा नहीं, ये वर्ड में ये होता ही नहीं। हाँ होता बस एक मिनट के लिए, क्योंकि मैं उसको मार मार के इतना इतना ज्यादा लाड करता कि वो बेचारा थक के ही जला ही जाता। वो की लाड का मतलब है ये देखो, उस सीट पे लाड करते चलो 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 ये देखो, मैं ऐसा करती हूँ बेचारा गुस्सा होके चले जाता है, कमर में लगता टीचर को बता दूंगा। कोई तो देखो भाई, एक काम करते हैं, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, इधर ही अपना एक घर बना लेते हैं। अबे अब चल जाता है ऐसा कुछ भी, ये कह रहा है कि तू इधर घर बनाने आया है कि विलेज ढूंढे, ये तो उसने सही बताया, लेकिन यार ये विलेज बना विलेज का मिलना इतना ज्यादा पता नहीं है। हाँ इतना पता नहीं है विलेज का, अगर हाँ मैं ट्रांसपोर्ट भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं कैसे भी मैं उसको ढूंढ भी सकता हूँ, बट मेरे अभी मन नहीं है विलेज का। ए भाई तूने ये पूरा घर बनाया, दरवाजा कहाँ पर बना? दरवाजा बाद में बनाऊंगा, रुको अभी थोड़ा हमें ऐसा तोड़ देते ऊपर के लिए, और उसके बाद वुड भी कट कर देते, क्योंकि पहले वुड आ ही गए तो फिर वुड कट कर ही जाते हैं। बहुत पहले तो ना सिर्फ सबने पता और गंदी लग जाए वो वुड वो यही है, पहले ज़्यादा तो नहीं फिर कभी नहीं आगे जाके गंदी लग जाए हमको। सही बात है ना? सही बात तो है मेरी, बट कोई बात नहीं, चलो भाई ये चीज़ जितना करता है। वैसे मैंने थोड़े दिन पहले मैंने एक लंबी से वीडियो मैंने रखी थी, कि उस वीडियो में मैं काफ़ी सारे लोग ने देखा नहीं है, इससे अच्छी बात है ये, वैसे ये बुरी बात है, पर एक तरह से ये अच्छी बात भी है क्योंकि इसने मेरी लुक गिरी। कुछ ने नहीं देखा है किसी ने कुछ, अच्छा हुआ जैसे किसी ने भी किसी ने अभी नहीं देखा, वरना ये मेरे खास फ्रेंड भी बेइज्जती हो जाती। एक और बात बोलता हूँ मैं, भाई कितना छोटा घर बनाया तूने, भाई कोई बात नहीं छोटा है बढ़िया है फ्यूचर में। अबे ये यू तो आयो, अबे कोई कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस इधर बेड के ऊपर मैं चढ़ गया था और ऊपर दीवार थी, छोटे तो बच्चे को लगती है ना खुद। हाँ बहुत बार हमारा कैरेक्टर कितना छोटा है, माइनक्राफ्ट वालों ने इतना छोटा कैरेक्टर दिया है, अच्छा किया है छोटा कैरेक्टर दिया है, बड़ा नहीं दिया है, वरना बड़ा दिया होता तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। चलो अभी हम लोग एक डोर क्राफ्ट कर लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल है हमारे पास,
डोर 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 डोरीमोन जो देखो ये हमारा एनीवे डोर है, इधर से आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इधर से हम लोग गए आगे एनीवे डोर। चल भाई हमारे पास एक फर्निश भी है, बात हो गई मजाक, सही बात है, हम काम पे लग गए। अब खाना पका लेते हैं, पक्का क्या खाना चाहिए भाई? अरे मैं क्या कर रहा हूँ आज, ये आए से मेरे को दुख गिरी, मेरी क्यों साबित हो रही है, क्योंकि अभी भी मैं नूबदा बन जाऊँ। बस इधर अपना घर है कि मैंने उसको नहीं छुआ है, मैंने अपनी भीड़ को छुआ ना, यानी कि रिस्पॉन्स पॉइंट वाला दिखा ना, कोई देख नहीं रहा है, नहीं को उससे ही पीछे था बोलू। एक सेकंड हमने इस तरफ, वाह आई थिंक इसके नीचे वो होगा, मतलब हमारा आई थिंक इसके नीचे हमें स्पाई ग्लास बनाने का मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इतना ज़रा दिख गई है, वरना हमें जो तो कह रहे थे उसका नाम ही कितना अटपटा है, ए से शुरू होता है, पता नहीं किसका किसका नाम। अरे वो एक चीज़ होती है चमकीली पर्पल रंग की, पर्पल रंग की, और उसके अगर आप अगर हम लोग उसको और कॉपर को मिला देना तो हमें एक स्पाई ग्लास हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं। किसका नाम है, अजीब नाम है, अजीब नाम है, पर उसका मिलेंगे दूर भी। तो अब तो पता चला ना तेरे को, तेरे को माइनक्राफ्ट में तू अभी 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 मैंने चालू की है इसलिए। हाँ वरना मेरी भी एक बात है माइनक्राफ्ट की शुरुआत से नूब गिरी की, आप बोलोगे तो कमेंट में लिख दोगे नूब नूब नूब, पर नूब नूब गुरु नूब 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 आपने ब्रज लिख देना प्लीज। मैं आयरन को क्या बोलता है पता है आपको, आयरन को क्या बोलता था प्लीज कोई हंसना नहीं प्लीज, पता है तो कमेंट में लिख देना। नहीं रे कोई ना नहीं होगा, कोई किसी को भी नहीं पता है, बस मेरे एक दोस्त को पता है। आयरन को पोटेट बोलता है प्लीज रूप लिखता है प्लीज नूब नोट लिखना, इतना बड़ा नहीं नहीं हम प्लीज मत लिखना। ये कहाँ पे घूमने चला गया चलो भाई अभी विलेज की खोज होगी हमारे वर्ल्ड में। विलेज की खोज कर ही लेते हैं, एक काम करते हैं, हमारे काफी सारे बेस होंगे और तो भाई खाना खा लीजिए। व्रत चाहता है कि मेरा बड़ा डोर बोल दे करो अभी, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं लेकिन चाहता था। हाँ चलो मेरा सब सुनो 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 सुनो, अभी हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, मतलब विलेज को ढूंढ कर विलेज को ढूंढने वाले हैं। बाय बाय घर, कभी आऊंगा। आते पिलू तो ले लें तू एक नहीं ला चाल से आप लोग आप छूले है बहू। अलविदा कहते हैं हम उस घर को, बाय मेरा अच्छे बनाएंगे, किसी और दिन आऊंगा तुझसे मेरे ये पता नहीं कैसा आदमी है लेकिन अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है। चलो भाई अभी तारी बहुत होगी, काम पे ध्यान देते हैं हम। मेरे को लगता है कि इधर ई क्यों लिखा है किधर, एक सेकंड, हमें अभी तक कोई भूत का क्लू नहीं मिला है, मतलब हाँ, सही बात हमारा है। इसका मतलब इसको कॉपर बोलते हैं और इसको और अरे व्रत में एक बात कहता हूँ, हमको ये सब दृढ़ ना हो और हमको डायमंड मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कुछ हम और अब हम तो अभी विलेज को ढूंढने जा रहे हैं, बराबर है? हाँ पता है ना। हाँ हाँ तो
चलते चलते हमको डायमंड मिल गए, डायमंड मिल गए तो तुम क्या करोगे? सिंपली मैं उसको नहीं तोड़ सकता ब्रो, ये हमारी नुकदी होगा, क्योंकि अच्छा। हमें आयरन की एक पिकैक्स चाहिए, उसके लिए हमें आयरन को खोजना होगा पहले, और आयरन से हमें एक पिकैक्स बनानी होगी, उसके बाद हम लोग डायमंड को तोड़ सकते हैं, समझे? अब वरना तो फिर मैं अभी तक मैं चला ही गया होता, पर हमें अभी डायमंड्स की कुछ खोज करनी चाहिए, और डायमंड्स की खोज से पहले हमें केव की खोज करनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर से हमें आयरन काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और एक माउंटेन मिल जाए तो बस बात है। नहीं अब कंपटीशन देते हैं, विलेज ढूंढना है हमको। हाँ हम वो ढूंढते ही रहेंगे, अगर एक माउंटेन दिखता है, यानी कि हमें हमें पता नहीं है कि एक माउंटेन है, और हम लोग उसके नीचे स्ट्रेटिंग डाउन जा रहे हैं, उसके बाद नीचे हम लोग गिर जाते हैं, और जब वार्डन आता है, जब भी वार्डन आता है तभी भागो ऐसा बोलते हैं। तेरे को नहीं पता होगा बट वार्डन जो है वो माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा मॉब है, यानी कि सबसे खतरनाक मॉब है भाई। अच्छा हाँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उससे काफ़ी ज़रा नहीं हटे हैं, बट उनके सामने अगर एक बस बस कुछ ज़्यादा खास सामान ना हो तो वो भी जा सकते हैं। स्मार्टी भाई क्या क्लच करता है, मैंने उसको काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे है, वो अच्छे क्लच करता है, उसके जैसा मेरे को भी, मैं भी एक दिन उसके उसके जैसे ही मैं क्लच करना सीख जाऊँगा उसके बाद। लेकिन हम सबसे जो माइनक्राफ्ट का जो है ना एकदम प्रो, तुम ऐसा पूछोगे अगर कि माइनक्राफ्ट का सबसे प्रो आदमी प्रो कौन है, पता नहीं मुझे, टेक्नो ब्लेड है वो, टेक्नो गेमर, टेक्नो ब्लेड, टेक्नो ब्लेड पता वो दो, वो नहीं वो इंग्लिश वो है ना, दूसरी कंट्री का है, इंडिया का नहीं है, बट दूसरी कंट्री का है, कंट्री है, पर वो जो बंदा है ना जोरदार है भाई। जो ये जो माइनक्राफ्ट वाले है ना, अगर तुम इसको ओपन करे तो ऊपर जो येलो कलर की कुछ भी लिखा हुआ आता है ना, उधर एक बार टेक्नोब्लेड नेवर डाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टेक्नोब्लेड कभी मरता ही नहीं है। मेरे को लगा असल में भी वो कभी भी नहीं मर सकता, मेरे को ऐसा लगा था। उसको रोस्ट मत करो वरना एक दिन मेरे वर्ड में आएगा तो तुम्हारी नहीं बट मेरी वो पिटाई करने का अच्छी खासी, क्योंकि अभी तो हम लोग भी नूबी है, उतने ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगता है इतना क्लीन एरिया है, मतलब रात होने वाली है, रात हो गई है भाई, क्राफ्टिंग हाँ मैंने उसको जानबूझ कर छोड़ा था, बट हमारे पास अभी मूड है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है फिलहाल तो भाई। मैंने क्यों नहीं बनाया, घर बना लेते हैं, घर बाद में बनेगा भाई, सो जा फिर। सोना हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइनक्राफ्ट में रियल लाइफ में हम लोग सोए ना ना सोए, कोई मॉन्स्टर बन सकता, कोई मॉन्स्टर आता नहीं है बट माइनक्राफ्ट में आते हैं ज़ॉम्बीज़, ज़ॉम्बी ये लो अमेजिंग यार। अरे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना, स्कूल के लिए उसको जाने का मन होता है, पाँच मिनट सो लेते और वो पाँच मिनट पाँच घंटे के बराबर होती है। सही बात है यार, यार रात को मैं भी इतने ज़्यादा लेट में जब नहीं बताऊँ, बट ये मेरा दोस्त है ना, अच्छा वो 12 बजे तक जग जाता है। अरे बाहर को जाने दे, रात को बाहर को जाने का पूरी रात जगता हूँ। हाँ मैं भी जाता हूँ, बाहर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, और बस में जाना है तो सब्सक्राइब कर दो, विलेज मिल गया हमको। और अगर इधर हम लोग इधर ये मानो ये केव इतनी थी, अगर इधर इतना बड़ा होल होता उसके बाद हम लोग मर जाते तो अरे एक सेकंड वो हमको अभी वो जो मिला ना हमको वो ना यही हमको जो मिला था ना, बोला ये चीज जो करे वो नहीं आप तुम अभी मैं अपने जो तो नीचे गड्ढा जैसा था वो अंदर जाता था
वो तो नहीं है ना, ये ना है ना उसको क्या बोलते हैं वो टनल जैसा था ना। हाँ 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 तो हो भाई उसने अच्छे से अपना सीख भी गया। उसको कहते हैं उसको क्यों कह देते भाई मैं भी भूल गया क्यों कहते हैं उसको। हाँ हाँ क्यों कहते हैं हाँ वो तो नहीं था ना। हाँ वो वहाँ से वो वही था। हाँ हम लोग बाद में जाएंगे उधर वहाँ से डायरेक्ट या तो विलेज को लूट दो इधर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है जाने दो। हाँ ये क्या है भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है इसलिए मैं इसको ले लेकर था। अभी भी मैंने उसको लिया था और फिर से भी मिल गया। वाह अब विलेज कम हो क्या उसको लेना था। अरे अब विले उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उधर ट्रांसफर में हेल्प कर दिया वरना मैं अभी जितनी देर में आउट होगा ना यहाँ पे मैं इधर ही फोन होगा यानी मैं मम्मी मरूंगा तो फिर मैं किसी जगह भी आ जाऊँगा। क्या ट्रेड करते हैं अभी बच्चे 24 में एक कैमरा रे तो तुम्हारा आयरन भी हमको पहले मारना पड़ेगा कुछ कर दिख नहीं रहा है। निकल जा तू निकल जा तस्वीर से निकल जा। अरे बेचारे को निकल जा तस्वीर नहीं दिया बेचारे को चश्मा तो है ध्यान रखो यहां पे आज आयरन गलू। ओ भाई ए गलू ए गलू ये गलू हम तेरे को मारने आए हैं ये गलू हम तेरे को मारने आए हैं। अबे फिर हम तेरे को मारने आ गए हां मेरे को लुक तू शाग हम तेरे को मारने आए थे मारो उसको मारो मर भी गया चला। लाइव स्ट्रीम पे सॉरी गाइस थोड़ी ब्रेक आ चुकी थी पर कोई बात नहीं इतनी ज़्यादा भी लंबी ब्रेक नहीं थी इतनी अच्छी बात है वरना काम आ जाता तो बहुत सारी बहुत लंबी ब्रेक हो जाती है। लग रहा था कि ठीक है ना मेरा अभी वॉइस अभी कैंसिल हो जाता तो मेरे को नीचे जाना पड़ता है मैं उतना अच्छा से हिंदी में नहीं बोल पाता। हाँ ये जो घर है ना हाँ मैंने एक वीडियो मैंने रखी है मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रखी थी कैसे शायद ही आपने देखी होगी मैंने एक बताओ ना बता मैं जब ऐसे ही घर एक मैंने एक विलेज ढूंढी थी एक और वर्ड में वो दूसरा वर्ड में मेरे पास कोई मूड पैक नहीं था। मैं जैसे इधर आया ना एक विलेजर जमीन पे सो रहा था। हाँ मैंने वो वीडियो देखी थी। हाँ उसके ऊपर ऐसा भी लिखा हुआ था ना मैंने हाँ मैंने वो देखा था कि जमीन पे सो रहा था। हाँ का ले वो मेरे लिए तो वो एपिक मोमेंट ही था पता नहीं आपके लिए वो कैसे भी मोमेंट हो बट मैंने वैसे पहली बार देखा। मैंने भी ऐसे पहली बार देखा लेकिन मैंने एक बार पहली बार देखा नहीं मैंने ना एक बार माइक्राइम डाउनलोड करी थी लेकिन मैंने तेरे को बताया ना सॉरी माइक्राइम डाउनलोड करी थी ना मैंने भी ऐसा देखा था एक बार। अभी सच ही बोल रहा मेरे को नहीं लगता है तू। अरे एक बार मैंने देखा था। हाँ एक बात बोलूँ ये नुबड़ा जब ही है ना नहीं ये प्रो ये प्रो जब ही है ना अपने वर्ड में जा रहा था ना तो ये क्या कहता है बताए माइक्रोसॉफ्ट हेलो माइक्रोसॉफ्ट में तो मजा मैं गुजराती में कहता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा बट उसमें ही मजा है। और मैं तो से ना वर्ड बनाए तो ना अपन जाते तो फिलो ज़ॉम्बी आई मतलब मार मार करते तो वो भाई मैंने ऐसा कब बोला था हाँ तो वो बोल दो जो बोला था। अरे तू कह रहा था इसके बात में विश्वास मत करना मैंने ऐसा बोला भी नहीं था
सब्सक्राइब ही मत करना, पहले के दाम सब्सक्राइब ही मत करना, नहीं करना सब्सक्राइब ही मत करना। मैंने सोचती हूँ कि किया भी नहीं था। हाँ मुझे याद है उसने कहा था, क्या कहा था? ये तो एक कैसे है, देखो जो बच्चे मिलेगा ये कॉफी का है, कॉफी लाओ वेटर ही नहीं है, कैसे लाए तो कॉफी। मतलब उसको ब्रेक चाहिए लेकिन पढ़ नहीं सकते क्योंकि अच्छा खासा विलेज मिला है। चलो 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 काम पर जाते हैं, एक और बार देखो हम लोगों ने इसको तो हम लोगों ने लूट लिया है। हम भैया विलेज मिलते हैं तो हम लोग को लूटना होता है क्योंकि हम लोग इसके हमारे मास्टर ही है। पर तो हम लोगों ने एक गलती कर दी थी तो हम क्या क्या हुआ, हम लोगों ने अपने पहले घर की स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, ले हो गई ना, हमें हमें वो फिर से नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे सफ़र करते रहेंगे, वैसे हमें नया घर बनाते रहेंगे, ऐसा सब कुछ करते रहेंगे। ये कॉन्क्रीट है, ये बहुत ही अच्छी दिख रही है ना, इसलिए हम ले लेते हैं। ये बाद में मिलती है और हम लोग इसको खुद बना भी सकते हैं, पर उसमें बहुत ही चमका आता है और हमको भी फिर से नया विलेज ढूंढना पड़ेगा। विलेज क्या, हमें अगर कोई अच्छी चीज़ क्या कहते हैं कुछ डेजर्ट टेम्पल या फिर कुछ ओपी ओपी स्ट्रक्चर्स मिल जाएगा तो मौज ही हो जाएगी। लेकिन हमको सब्सक्राइब पाने के लिए नया विलेज तो ढूंढना ही पड़ेगा ना यार, उसका क्या होगा? चलो भाई ये बहुत ही अच्छा घर बनाया है हमारे विलेज में। और उसके कांच देखे कितने अच्छे और हवा में उड़ रहे हैं, वाह क्या क्या घर बनाया भाई, की क्रिएटिविटी है मेरे। हाँ अच्छा हुआ, बढ़िया घर है, ऐसा अगर तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा जैसा इसने बनाया है। घंटे है ना, घंटे ना ये बदल जिसने भी सुना है ना अब। और अरे अब बंद करेगा, तू तो अपना भाषा ही दे दे करता है जब देखो तभी। हाँ दे दूंगा, क्या कर लेगा दोस्तों, यही मौका है, कमेंट में लिख दो तेरा फ्रेंड मुझे की बात पे मैं मत आना, इसके सारे डिलीट कर दो सब वो लोग नहीं कर सकते। वो भाई तेरे जैसे मिल जाइए लोग अच्छे बोले लोग है भाई, तो भाई ऐसे लोग है भाई, कितने अच्छे लोग है हम लोग। बेचारे विलेजर के घर को कौन इतना ज्यादा कौन इतना ज्यादा तोड़ सकता है, यानी कि कौन इतना ज्यादा रिपेयर कर सकता है। इतना सही बात है यार, इतना तो वो देखो हम लोग कितने ज्यादा ग्लास लगा रहे हैं। तो यार विलेज का आयरन गोलम को कौन मारता है ये देखो। अरे ये देखो घर के आधे तुमने क्या कर दिए, मेरे पिकैक्स टूट गई मेरे पिकैक्स। ये कितने स्पीड से जा रहा था बे, एक सेकंड ट्रेड करता है पीछे क्रीपर का बना के रखता है। अच्छा ट्रेनिंग करता होगा ना तो दो मार दूंगा। मारो मैंने देखा था स्कैरी मिथ्स का एक वीडियो और उसमें ऐसा लिखा रहा था कि 1.16.6 यानी कि ऐसा कोई वर्जन था तो उसमें डी विलेजर होता था जो क्या फिर से बोलो डी विलेजर पता नहीं उस वो है ना उसकी आंखें लाल होती थी और वो ग्रीन कोड का होता था भाई। एक बात बोलूं, वो जो होता था ना वो विलेजर, वो जो ग्रीन का जो सबको पता है वैसे तो आजकल तो कि वो जो ग्रीन विलेजर होता है वो कुछ काम का नहीं होता है। क्यों पता नहीं वो कुछ ट्रेडिंग नहीं करता है इसलिए सो जाते हैं। चलो भाई उठ गए, लेट हो गए हम लोग, यहाँ से कुछ ले लो ना खा लो, यहाँ से कुछ ले लो ना।
देखो पतंग गिरी थी हमारी यहाँ से कुछ अच्छा अभी अच्छे हम लोगों ने अच्छा खासा लूट लिया पर एक बात है हम लोग अगर हमेशा के लिए दुर्वास ही जाते हैं ये देखो ये पानी का कुआ है ऐसा ही दिख रहा है बच्चे सिर्फ पानी लगा देते और पानी का कुआ बन गया ये तो अच्छा खासा अरे एक अगर हाँ मैंने कुछ नहीं लगा मैंने एक आयरन फार्म की मैंने रेसिपी देखी थी बट मैं उसको भूल चुका हूँ वरना हम लोग बना लेते अच्छा खासा आयरन मिल जाता हमको अभी क्या कैसा मिशन है वो वैसे उस घर को अच्छा लुक देते नहीं हाँ सही बात है लुक देते ऐसा ऐसा घर किसने भी बनाया होगा यार वो जो घर बनाते हैं ना कड़िया हाँ कड़िया उसको हिंदी में क्या कहते कड़िया को अरे कड़िया कुछ भी कहता होगा हाँ उसने भी ऐसा घर नहीं देखा होगा जिसने इसने बनाया है ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पे तो चलो भाई ये वही वाटर अबे हाँ 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 नाले आए रहे घूमने के लिए ज़ोंबी ले ले हाँ आ उठाई तो नहीं आऊँ कर दी तू सा रीपर थैंक यू रीपर तेरे को मैं ड्रॉप करता हूँ अरे वाह लाते पड़ गए बैठ हो नहीं एक और रीपर रीपर भागो ये बाग हम दोनों ने तुझे बोला भागो शादी बोला कहते हैं हम तुम गुजराती क्यों बोल लेते हो भाई आदत हमारी क्या बोलते हैं हमारी मातृ लैंग्वेज हाँ मातृभाषा है हमारी मातृभाषा ही हमारी गुजराती है तो भाई मेरे को लगा तू आयरन गोलम दे दे निकल जा निकल जा आयरन गोलम की कॉपी तुम कभी नहीं करोगी मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम मेरे को आयरन हाँ हमें 5 आयरन मिले ये अच्छी बात है हम लोग फिर कभी आएंगे वीडियोज में अरे लेकिन मजा पिक्चर लगाया अरे तेरे पास वो TNT नहीं है नहीं भाई हर बार TNT नहीं होता है भाई नास्टी करते हम चले जाते सही बात है ओ एक सेकंड ये घर रह गया है या तो फिर ये वो कितना मस्ता कर रहे हैं चलो यहाँ पे चलते हैं वो घर पे हम लोग मेरे को लगता है सबसे ऊपर पहले एक घर था हाँ वो रहा ना वो रहे अभी तो हम लोग को तीन पर ही था उस घर में तो हम चले भी नहीं हाँ एक काश की जो ब्लैक स्मिथ हो तो बढ़िया हो जाएगा अरे हमारा मिशन नहीं है वो हमारा क्या मिशन था हमारा डायमंड ना ना डायमंड का नहीं हम शोध करने आए ना फोर और बड़ा मूड एक्टिवेट है Literally एक गोलता है भागो या तो वो कभी कुछ नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्यों लेकिन हमको बचना रहेगा में बचा कहाँ पे चले गए हम लोग किधर गए अरे वो नहीं है हमारा मिशन क्या था ना वो था ना हमारा मिशन क्या था अरे वो मिशन क्या था वो और आपको भूत का अरे कोई मिशन नहीं था वो हाँ तो वो क्या था हमें भूत वाला जो वर्ड है हमें उससे सर्वाइव करना है मेरा मैं वो कह रहा हूँ हाँ तो कहाँ पर है वो अरे ये भूत नहीं देख रहा है मेरा साला तो हम यहाँ पे क्या करने आए हैं अभी हम लोग तो सारे लूट कर हाँ लूट कर देते और चोर है ना इसलिए हम लूट ही कर रहे हम वैसे नहीं हम लोग सॉरी मजाक कर रहा हूँ बेचारे वीडियो देखकर ये सामान कौन यूज करेगा सही बात है हाँ इसलिए हम ले जाते हैं फ्यूचर में आके कभी भी दे जाएंगे कब ऐसा दे जाएंगे ये पूछा है जो चला जाता है कहाँ पर अबे ये क्या दिखता है अबे होता चल अरे वो लोग नहीं आ सकते हैं मेरे पास अरे हम उसके पास पर जाते हैं क्या जाए पर मैंने पूछा है ज्यादा नहीं सारे जाना पूछा कोई करे तो नहीं होगा ना अच्छा नहीं कर रही अच्छा तो वो आई नहीं आ गए
ये सारे भूत तो अभी नॉर्मल है। एक बड़ी लंबी सी एक लड़की जो है वो अंडरमैन होता है, और वो सबसे डेंजर मॉब है। वो नहीं है सबसे डेंजर मॉब, तो ये वो कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ नहीं है, बट एक मॉब आता है छोटा बच्चा। ओके हाँ, माइनक्राफ्ट वालों ने ऐसा ही किया है। बेबी जॉम्बी देखो, बेबी जॉम्बी को तो देखो कौन होता है ऐसा भाई। बेबी जॉम्बी के साथ सर्वाइव करना मतलब समझ लो वो बहुत ही हार्ड क्विस्ट होता है भाई। वो छोटा कितना लूटेगा भाई। अबे यार ये फूड है, फूड को लेना पड़ता है ना। कितना लेगा फूड? पूरी दिन की राशन लेना है भाई। क्या वो कितना होगा? बांट के जैसा कर रहा है यार वो। नहीं हमारा लेकर जाली न रही, गुजराती का पान है ना, ऐसा कर रहा है। ऐसी कंजूसी यार, यार ऐसी कंजूसी नहीं है यार, माइनक्राफ्ट के बड़े में। वाह ये फूल तो, वाह कितने अच्छे अच्छे फूल है। फ्लावर्स है, पूजा फ्लावर्स अच्छे अच्छा ही है नी। चलो सब कुछ अभी तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन रात को देखो कैसा लगता है। मुझे कुछ जाना चाहिए या नहीं? कितना सब मारा ना तो एक किसी और टक्की हत्या कहीं नहीं करते ये लोग। ओकू की मेरे को बच्चे रहना पड़ेगा। आपको भी ये ओकू का बच्चा कौन है? ओकू का बच्चा कौन है? ओकू ओकू बा थोड़ी दीदी को तो भाई इसकी बात कर रहा था। यही है ओकू, ओकू बोले तो पास जा दे भाई, सारा कैश ना भागी है भागो। सच में यार डर ही गए थे भाई। ये क्या है? अच्छा मेरी ब्रीथिंग भी है। भाई बच के रहना पड़ेगा रे, तब मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ से निकल जाते हैं। इस जगह हमें 5 इंजन मिले हैं ना, इसलिए मजा आ जाएगा भाई। हमें 5 इंजन में पहले के तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर से आएगा और मार के। हाँ हम लोग निकल जाते हैं थोड़ी देर। हम लोगों ने कितनी अच्छी लगी है, बस पूरे का पूरा 40 पोट है। वाह मजा आया जो मैंने एक फार्म मैंने देखा था। कितने बार जाएगा? कितने बार? अरे वो आयरन का फार्म नहीं था, वो फूड का फार्म था। क्या खाना खाया था भाई आज को? मैंने बहुत बहुत कुछ खास नहीं कर रहा, मैगी खा ली थी। अरे चलो भाई, हमने कल ही खा ली कल रात को। हमें अभी एक ही चीज को ध्यान में रखना है कि हमें है ना ज्यादा जो डीप जगह है यानी कि डार्क जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जो बढ़िया से जो मॉब्स होते हैं वो सारे वहाँ पे होंगे। और खास करके जब मैं इधर जाना नहीं चाहता हूँ पर जाना चाहता हूँ। वाह आप सबको पता है इसका दूसरा नाम क्या है? अच्छा नाम है भाई। नहीं क्या है? अच्छा नाम है, लेकिन हम हंसना मत। नहीं नहीं ना सोमा, ये भी ना करे। अच्छा मैं नहीं कहता, उसने यहाँ पर दिया। अगर मैं कह देता मैं सब चैनल को, तब मैं कहूँगा कि नहीं 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 मेरा बेवन का नाम क्या था, लेकिन अभी नहीं कहता। अरे यार 43 मिनट हो चुका है, बट किसी ने देखी तक नहीं। बता बता देख ले सब्सक्राइब बहुत कर देता है। बता नहीं अभी तो ना ये भी मतलब ना देखा वो पीछी नहीं बात करी अंते चेहरा में क्या ना करी ना पीछी भी नहीं कर रही। तो मम्मी को निकाल कर गुजराती में बात कर ली। आपको ज़्यादातर वो शायद समझ में नहीं आया होगा कि आपको शायद से नहीं। आपको कौन सी लैंग्वेज गमती है हमको जरूर बताएं। गमती है नहीं पसंद है, इंग्लिश गुजराती हिंदी। मैं इस डीप जगह के मैं आना तो नहीं चाहता हूँ, पर मेरे से तो आ ही जाते हैं वीडियो। बहुत लंबी वीडियो है भाई, बहुत ही लंबी वीडियो है। नहीं वो जी, और इसको अपलोड करने में कुछ गलत हो जाएगा।
हमें बहुत ही अच्छी सी गेम मिल गई है। यही एक ऐसा भी हम मैंने एक वर्ड बनाया था, उसमें एक दोस्त भी था, हम दोनों साथ में खेलते थे। उसका नाम क्या था वो तो बता। केतव रुको वो है का उसको खाना है मेरा पोटैटो। शादी कर दी ऐसे मत करो। अरे बेहद मोटो सही है हमने। अरे भागो ये जितना क्यूट क्यूट नाम है ना उतना क्यूट दिखता है। वो ऐसा कहना है जितना उसका क्यूट नाम है उतना भी डरावना है। उतना भी डरावना तो डरावना नहीं है, डरावना तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चा कैसे डरावना होगा, डरावना नहीं है वो। तो क्या है तुम्हें नहीं पता चले। वो बाहर से तो वो क्यूट ही दिख रहा पर अंदर से जो लोग टीन टाइटंस देखते होंगे उसके लिए वो जीवन बराबर है। गिब्सन केव, वाओ। चलो भाई हमें इसकी तलाशी थी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अरे नहीं, हमने वो जो बुद्धिस्ट का बनाया था हमने अपने खाने का सारा कुछ वहीं दे दिया। भाई 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 थोड़ा सा रह गए वरना चला जाएगा फिर। नहीं मेरा कैरेक्टर था मैं करने वाला था तो वो क्लेम करने वाला था कुछ चलो आगे। अभी लावा के एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए यार। मैं तो ऐसी हाँ मैं यही करने वाली बच्चा ये तो वही डरा देता है। जीतवन था भाई क्या ग्लिच हो गया। मैं वहीं पे जीने वाला था, मेरा प्लान भी यही था कि मैं वहीं पे जीती हूँ, पर अच्छा हुआ मैं वहीं पे ना जीता क्योंकि मेरा प्लान इन्हें कोई को मार रहा। अबे वो जीतवन से खुद ही का खुद ही डैमेज दे रहा है। नहीं अभी वो फटने की तैयारी कर रहा है कि वो जब नीचे आएगा मैं फट जाऊँगा और वो भी मर जाएगा। मैं भी ये कैसा ये मोबी भाई हमारी तलवार टूट चुकी है, मतलब क्राफ्टिंग टेबल लो नई नई चीज बनानी पड़ेगी। हमारे पास एक भी पिकेल भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या करें, प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं। हम लोग आयरन की स्वॉर्ड बना सकते हैं। बना लो। नहीं बना तो थी फिर क्या नहीं आयरन की नहीं बनाई है मैंने तो स्टोन की बनाई है भाई। प्लैंक्स तो ले गए हैं लंबी है क्या वीडियो पार्ट वन करते हैं ना, पार्ट टू पर ही अपना कर सुन। हाँ बात ये कर लेंगे पर वहाँ पे गिर गई। अच्छा ये हुआ अब तो फट गए। थैंक यू ब्रो। फटने तो जो अंदर जाते रहे नहीं फटते। थैंक यू इस पर क्या थैंक यू कह रहे क्या बे, वो बेचारा फट गया इसलिए थैंक यू कहना पड़ता है। अच्छा बच्चा था खुद ही फट गया वरना उसके साथ ऐसी जबरदस्ती होती। लावा है
कुछ नहीं आयरन भी मिल गया तो माओ चोर भाई कोई मॉब ना आ जाए लावा इधर नहीं आ रहा है ये अच्छी बात है जगह भी नहीं ये क्या ये छोटे बच्चे कैसी हरकत है अब तो मेरे को इसको एंड करना ही पड़ेगा सो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर करना चलो टाटा बाय बाय सी यू फिर मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे ये पार्ट वन था अब पार्ट टू देखा जाते हो तो कमेंट में लिख देना पार्ट टू राजोपी और प्लीज नूब मत लिखना और उसका नाम था नहीं करूंगा मजाक कर रहा हूँ नहीं करूंगा चलो भाई प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चलो भाई अगर फेस रिवील कर दूं क्या कर दो तो आज हम ये रहा मेरा फेस इसका फेस है ये इसका फेस है तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय तब तक के लिए बाय बाय तब तक के लिए टाटा बाय बाय।